कश्मीर फाइल दे जिन्नी भी कास्टिंग सी डायरेक्टर सी निदेशक सी उन्हां नूं भी जिहड़ी इह टारगेट किलिंग हो रही है जे उन्होंने कश्मीर फाइल तो इन्ने करोड़ां रुपए कमाए हैं घट तो घट कोई सहानुभूति दे दो शब्द उन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म खत्म होने तो बाद भी कश्मीरियों के हक च बोलने चाहिए सी घट तो घट मदद का एक हथ अगे वधाना चाहिए सी ताकि कश्मीरियों जिहड़ी उन्होंने उन्होंने पर्दे दे उत्ते कश्मीरियों की दिखाई है उन्होंने जीवन दसता घट तो घट जमीनी तौर पर भी हकीकत भी उन्होंने कुछ मदद कर दे खौफ नूं खत्म करने वास्ते असी एक इनिशिएटिव भी लै रहे हैं 29 जून नूं साडा चलो कश्मीर का एक नारा है जम्मू तो असी जगती विस्थापित कैंप है जिहड़ा कश्मीरियों का तमाम देशवासियों नूं तुहाडे थ्रू असी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि 29 जून नूं जम्मू आन 10 बजे जगती कैंप तो असी चलो कश्मीर का नारा दिता असी अपने उत्थे जिन्हें भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीर रहने वाले जिन्हें भी नागरिक ने उन्हां दी हौसला अफजाई करांगे ते आतंकवाद नूं मुंह तोड़ जवाब देंगे। शिवसेना अज प्रोटेस्ट करे करती है साइलेंट प्रोटेस्ट करे करती है तुसी पीछे देख सकते हो बैनर लाए रहा है श्रद्धांजलि बेगुनाहों की मौत पर श्रद्धांजलि टारगेटिंग किलिंग्स नू लैके ये साइलेंट प्रोटेस्ट अज करे करते हैं इन अज गलबात करांगे मैं दसो कि जिस वेले टारगेटिंग किलिंग्स होती हैं जम्मू की सड़कों पर खास करके असी वेख्या रोष प्रदर्शन होंगे ने लोग सड़कों पर आते हैं ठीक है तुसी अज साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो इहदा कारण की है? देखिए लगातार जम्मू के तमाम लोग प्रदर्शन कर करके थक चुके ने अज सरना पहले तो मैं दसना कि साडा प्रदर्शन की है या किस चीज़ का अज असी इत्थे बैठे हाँ सरना पहले तो मेरी भावभीन श्रद्धांजलि है जिहड़ा लद्दाख के अंदर कल दुखद हादसा होया उहदे साडे सुरक्षाकर्मी शहीद होए ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि है अज का जिहड़ा साडा कार्यक्रम है वह उन्हां बेगुनाह लोगों नूं भी श्रद्धांजलि है जिहड़े लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग लक्षित किलिंग का शिकार हो रहे हैं इहदे नाल ही साडा काली पट्टियां बन के प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन है मूक प्रदर्शन है पूरी तरह का क्योंकि नारेबाजी करके असी थक गए हैं मगर कल सरकार तक वो आवाज़ नहीं पहुँच रही अज असी सोचा कि साइलेंस प्रदर्शन करके देखने हैं शायद साडे इशारे सरकार नूं प्रभावित करन सरकार नूं आकर्षित करन ते जिहड़े कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उन्हां दी रक्षा की जा सके उन्हां नूं सुरक्षित किया जा सके। देखो 5 अगस्त 2019 नूं सरकार ने जम्मू कश्मीर नाल वादा किया सी कि कश्मीर च बहुत जल्द अमन बहाली होएगी लक्षित हत्याएं टारगेट किलिंग उत्थे बंद होणगियां सानू भी बड़ी ज़्यादा उम्मीद आई सी एक सूरज की किरण दिखाई दीती सी सरकार दे उत्ते सारे लोगों ने पूरी आवाम ने विश्वास किया कि शायद हुण आने वाला समय अच्छा होएगा मगर लगातार असी देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 तो बाद भी उस तो पहले भी लगातार आतंकवादी जदों चाहते ने जिन्हों चाहते ने जिहड़ी जगह पर चाहते ने उन्हों जाके निशाना बनाते हैं उन्हों मौत के घाट उतार देते हैं लगातार पिछले कुछ देर तो टारगेट किलिंग लगातार वध रही है लक्षित हत्याएं वध रही है तो साडा प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ टारगेटिंग किलिंग विच बीजेपी सरकार दा किस तरह तुसी देखिए कौन रोकेगा टारगेट किलिंग नु भी तो कोई ना कोई रोकेगा ना टारगेट किलिंग नू रोकने वास्ते भी तो सरकार अगे आएगी ना सुरक्षाकर्मियों नू तैनात करेगी उस तरीके की इंस्ट्रक्शंस देगी इन्हों का जिहड़ा खुफिया तंत्र इन्ना स्ट्रोंग होना चाहिए कि पता लगे टारगेट किलिंग फिर टारगेट किलिंग ये भी नहीं कि लुक छुप के हो रही है तहसीलदार के अफसर SDM के दफ्तर के अंदर जाके टारगेट किलिंग कर दी जाती है उन्होंने कितने ना कितने रोकने वास्ते तो सरकार के उपर ही असी आवाज़ लगावेंगे ना गुहार सरकार नूं लगाई जाएगी सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम ना वादा किया सी कि कश्मीर के अंदर बहुत जल्दी अमन बहाली लाई लियाई जाएगी यानी सरकार कितने ना कितने जो वादा किया सी 5 अगस्त 2019 नूं उहदी रक्षा सुरक्षा करन ते नागरिकां दी कश्मीर दे विच पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उस तो बाद मैं कश्मीर फाइल का भी जरूर हवाला देंगा क्योंकि कश्मीर फाइल भी तुही पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बारे गल कर रहे हो जिन्हें भी अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए सारे कश्मीर के अंदर लक्षित हत्याएं हो रही ने अल्पसंख्यक समुदाय के नाल अज खौफ उत्थों के लोकल नागरिकों भी है मुस्लिम समुदाय के भी खौफ है पहले खाली अल्पसंख्यक समुदाय च खौफ सी मगर लगातार जिहड़े आतंकवादी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने वास्ते जिहड़ी उत्थे हत्याएं कर रहे हैं उहदे च अज हर नागरिक कश्मीर का खौफ वाली जिंदगी व्यतीत कर रहा उस खौफ नूं खत्म करने वास्ते असी एक इनिशिएटिव भी लै रहे हैं 29 जून नूं साडा चलो कश्मीर का एक नारा है जम्मू तो असी जगती विस्थापित कैंप है जिहड़ा कश्मीरियों का तमाम देशवासियों नूं तुहाडे थ्रू असी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि 29 जून नूं जम्मू आन 10 बजे जगती कैंप तो असी चलो कश्मीर का नारा दिता असी अपने उत्थे जिन्हें भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीर रहने वाले जिन्हें भी नागरिक ने उन्हां दी हौसला अफजाई करांगे ते आतंकवाद नूं मुंह तोड़ जवाब देंगे सुरक्षाकर्मियों की भी हौसला अफजाई करांगे शिवसेना ते तमाम देशवासी सुरक्षाकर्मियों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा लगा के खड़े तुहानूं लगदा है कि 370 टुटने के बाद जिहड़ा वादा किया गया सी
कि हुन आने वाले टाइम च शांति होगी, जम्मू कश्मीर वधेगा, अगे ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ कितने हो रही है? बिल्कुल जमीनी तौर पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शायद बीजेपी के नेता अज भी दावा करते हैं कि बड़ी ग्रोथ हुई है, मगर जमीनी हालात हर आदमी को पता है। जम्मू नहीं कश्मीर के भी दोनों डिवीज़न के हर आदमी को जमीनी हालात पता ने। आज देखो डेली वेजर सड़क पर ने, अपना दैनिक वेतन भोगी सड़क पर ने, हर युवा सड़क पर है। जो रोज़गार का वादा किया गया सी नहीं पूरा किया गया, जगह जगह शराब की दुकाना खोलिया गई ने चप्पे चप्पे के उत्ते। जिस युवाओं नू रोज़गार चाहिए सी उन्होंने शराब की दुकाना मुहैया करवाई गई हैं, जगह जगह टोल प्लाजा खोल दे गए हैं। यानी इन्नी बदकिस्मती शायद पिछले 70 सालों च भी नहीं हुई जिन्नी ये 3 सालों च हो रही है। अज भी जिहड़े मिनोरिटी कम्युनिटी के लोग कश्मीर में रह रहे हैं, भावें जम्मू में भी रह रहे हैं, अज भी जिस तरह तुसी किया कि किते ना किते उन्होंने दिल च वो खौफ है कि किते भी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब तुसी मानते हो कि वो जिहड़ा अमन शांति की गल की गई सी, वो जिहड़ी गल की गई सी कि उन्होंने आने वाले टाइम च सब कुछ ठीक होएगा, तो खास करके कश्मीर फाइल का जिस तरह तुसी जिक्र किया ये भी गल कही गई सी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि हुण वापसी होगी, कश्मीरी पंडित जिन्ने भी कम्युनिटी के लोग ने उनकी वापसी होगी, उस तरीके का कुछ ग्राउंड ते लग। कश्मीर फाइल नू भी लैके लोगों जिसले गुस्सा वधदा जा रहा है, बड़े लोगों ने कश्मीर फाइल नू सपोर्ट किया सीगा, मगर आज ये टारगेट किलिंग दे बावजूद जिहड़ी हत्या वड्डे नेता कह करदे ने कि ये कश्मीर फाइल से कारण है कि ये टारगेटिंग किलिंग्स लगातार वधे कर। बिल्कुल कुछ हद तक कश्मीर फाइल भी यदि जिम्मेदार है, मेरा जिहड़ा जवाब है वो ये। पर मैं तुहाडे कोलों ये पूछना चाहवांगी कि टारगेटिंग किलिंग्स पिछले साल तो चलदी पईआं ने, कश्मीर फाइल से उन्त रिलीज हुई? नहीं, बड़े सालों तो चल रही है, तेज हुई है टारगेट किलिंग। तुसी देखो 2023 का 22 का डाटा लवो, 5 महीने हुए ने 2022 में 13 लोगों की हत्या हो गई है कश्मीर के अंदर, जिदे चो 9 तुसी मानते हो कि कश्मीर फाइल्स दी वजह नाल टारगेटिंग किलिंग वधदी पई है? बिल्कुल, कश्मीर फाइल नाल किथे ना किथे कश्मीर फाइल भी जिम्मेदार है, क्योंकि पुराने जख्मों नू खुरेदा गया, पुराने जख्मों नू दोबारा हरा करन दी कोशिश की गई है। तो मेरा जिहड़ा जवाब यह है कि कश्मीर फाइल दे जिन्ने भी कास्टिंग सी डायरैक्टर सी निदेशक सी उन्होंने भी जिहड़ी ये टारगेट किलिंग हो रही है, जे उन्होंने कश्मीर फाइल तो इन्ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, घट तो घट कोई सहानुभूति दे दो शब्द उन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म खत्म होने तो बाद भी कश्मीरियों के हक च बोलने चाहिए सी, घट तो घट मदद का एक हथ अगे वधाना चाहिए सी, ताकि कश्मीरियों नू जिहड़ी उन्होंने उन्होंने पर्दे दे उत्ते कश्मीरियों की दिखाई है उन्होंने जीवन दास्ता, घट तो घट जमीनी तौर पर भी हकीकत च भी उन्होंने कुछ मदद कर दे। मतलब हले तक तुसी मानते हो कि हले तक वो जी शांति है जी गल् कही गई सी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो इन्नी हुई है? देखिए मैं नहीं मानता, हालात कह रहे हैं। रोजाना तुसी लोग पेपर च लगांदे हो, तुसी लोग मीडिया वाले दसदे हो सारा कि तुहानू सा तुहाडे कोल ते कोई चीज़ छुपी नहीं है कि कश्मीर दे अज हालात की ने। हर चप्पा हर पब्लिक नू जम्मू कश्मीर दे पूरी आवाम नू पता है, हर शख्स नू पता है कि अज भी कश्मीर बेखौफ, तुसी कश्मीर नहीं जा सकते बेखौफ होके। कश्मीरी हिंदू जड़ा वो कश्मीर दे अंदर नहीं घूम सकता। लगातार जी पिछे 5 महीने की गल कर रहे हैं, जी 13 किलिंग हुई हैं, वो खुद अपने आप बयां कर दिया ने कि कश्मीर दे हालात की ने। तो तुसी आप सुन लिया कि अज इत्थे साइलेंट प्रोटेस्ट शिवसेना दे लोग कर रहे हैं, तो यो उम्मीद कर रहे हैं कि नारे ला के चिल्ला के सड़कों पर उतर के सानू कोई जड़ा जस्टिस है वो नहीं मिले, ना अपने वास्ते ना जनता वास्ते। तो अज असी साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ता करके एडमिनिस्ट्रेशन की अखा खुलन, उन्होंने पता चले कि कश्मीर च खास करके जेडे मिनोरिटी कम्युनिटी के लोग ने वह अज भी खौफ नाल अपनी जिंदगी बिताए करते हैं, भाएँ जम्मू की गल करिए भाएँ कश्मीर की गल करिए, अज भी वो जो अमन शांति का वादा किया गया जी गल्ती गई सी सिर्फ गल् ही रह गई ने, हकीकत झले वो कुछ भी नहीं हो रहा।